हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखो, परसों मैंने वीडियो बनाया था और उस वाले वीडियो में मैंने परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन बेस्ड वर्ड यूज़ ना करके सीधा नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर लिया था। काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था कि सर आप नॉर्मलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, इस बार तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होना है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि लोगों को डाउट है कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में। देखो, एक बात तो मैं क्लियर कर दूँ, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है या इसको आप परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कह दो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का काम एक ही है। दोनों का काम क्या है, के लेवल को मेंटेन करना, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल है या किसी का इजी लेवल, उसको मेंटेन करना, मार्क्स को इक्वलिटी प्रदान करना, दोनों का काम यही है। फर्क दोनों में सिर्फ क्या है कि जो आपका पहले नॉर्मलाइजेशन होता था उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट था, इस बार फॉर्मूला डिफरेंट है। हालांकि दोनों ही फॉर्मूले समझना बिल्कुल असंभव है, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस दोनों फॉर्मूले में क्या है कि पिछले वाले फॉर्मूले में जो आपका स्कोर बनता था वो 100 से ऊपर चला जाता था, मतलब आप कह सकते हैं कि 100 में से 120 124 नंबर भी स्टूडेंट के आए थे। इस बार जो आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, इसमें बेसिकली क्या रहने वाला, इसमें 100 से ऊपर स्कोर नहीं जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, बाकी सारी चीजें यहां पर सेम है। यहां पर आपका स्कोर बढ़ भी सकता है, आपका स्कोर घट भी सकता है, यहां पर जो है वेरिएशन थोड़ा कम रहता है, सिर्फ ये डिफरेंस रहता है। तो बेसिकली पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी वीडियो का एक क्लेरिफिकेशन है कि वहां पर मैंने सिर्फ नॉर्मलाइजेशन वर्ड यूज किया था कट ऑफ वाली वीडियो में, उसका मेरा मतलब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ही था। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा वो गलत है, नॉर्मलाइजेशन होना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको टेस्ट बुक की फ्लैश सेल के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। तो यहाँ पर टेस्ट बुक की तरफ से फ्लैश सेल चल रही है, जिसका लाभ आप 21 तारीख रात 12 बजे तक ले सकते हैं। इसमें जो इनका ईयरली पास है जिसका प्राइस 499 रुपये है, वो मात्र आपको 399 रुपये में मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट या एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कोड लगा के EG10 इसको परचेज कर लेना है। जब आप EG10 कोड को यूज़ करेंगे तो 100 रुपये का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा और एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 500 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 45,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अब कैसे होना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कई सारे आपके सवाल भी हैं, सर एक्यूरेसी का क्या प्रभाव पड़ता है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्या एक शिफ्ट में सभी का सेम नंबर बढ़ेंगे या सभी के सेम नंबर घटेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखो, शुरू से सबसे पहला पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखो, कैसे होगा मैंने आपको बताया, बिल्कुल समझना असंभव है, लेकिन इतना है कि आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। चलो भाई, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, क्या एक्यूरेसी का रोल पड़ता है। मान लो एक स्टूडेंट ने 10 गलत किए, स्टूडेंट ने 2 गलत किए हैं, क्या यहां पर जिसने 2 गलत किए उसके नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्यूरेसी का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है। देखो, इनडायरेक्टली ना एक्यूरेसी का रोल तो आपको पता ही होगा, भाई जो जितने गलत करेगा उतने उसके नंबर कटेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ज्यादा गलत कर रहा है तो उसका नॉर्मलाइजेशन कम होगा, ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, क्या इस बार भी 20-20, 30-30 नंबर बढ़ेंगे। देखो, इतने नंबर तो नहीं बढ़ेंगे, अभी ये भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। आप में से जितने लोग यूपी से बिलोंग करते होंगे, यूपी SSSC पैट का एग्जाम अगर आपने 21 वाला, तो उसके रिजल्ट में आप लोग देख लेना, नंबर 7-8-10 तक का डिफरेंस मैंने खुद देखा है। हालांकि कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कि 10 से ज्यादा भी हो, लेकिन इतना नहीं है कि 20-20, 40-40 नंबर स्टूडेंट के बढ़ जाएं, तो इतने ज्यादा नंबर तो नहीं बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, क्या एक ही शिफ्ट में सभी स्टूडेंट के बराबर नंबर बढ़ते हैं, तो ये भी गलत है। देखो, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके नंबर और 7 वाले के नंबर बराबर ही बढ़ेंगे। अब यहाँ से हमें इतना तो समझ आ गया कि भाई इस फॉर्मूले को समझना बिल्कुल असंभव है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या इसमें नंबर घटते भी हैं और कैसे बढ़ते हैं। अब इसके लिए मैं प्रूफ लेके आया हूँ। देखो, अगर आप लोग यूपी से हैं तो आपने UP SSSC पैट का एग्जाम जरूर दिया होगा, इसका रिजल्ट आप लोग देख लो, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले मैं आपको एक पूरा एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए। देखो, ये वाला आप ऊपर देख लो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, यानी कि UP SSSC, और यहाँ पर पैट भी आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, ये पैट का रिजल्ट है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर 3 स्कोर कार्ड आपके लिए लेके आऊँ। पहला स्कोर कार्ड देखो, इसमें यहाँ पर स्कोर दिखेगा आप में, यहाँ पर स्कोर में क्या लिखा हुआ है, देखो, अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर, यानी कि जो रो मार्क्स है ना 69.50, अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर, यानी कि नंबर बढ़ने के बाद 70.46 हो गए, कितना बढ़े, लगभग एक नंबर आप कह सकते हैं कि इसका बढ़ा है। उसके बाद अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर, ये देखो, सीधा 94% पर ये स्टूडेंट चला गया है। तो ये है भैया परसेंटाइल आपका स्कोर, ऐसे बनता है परसेंटाइल, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या देखा कि मार्क्स आपके यहां पर बढ़े हैं। अब दूसरा, यहां पर जो है आपको दिखाता हूं मैं स्कोर कार्ड, ये वाला, अब इसको भी ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या बताया गया। देखो, अभ्यर्थी का जो वास्तविक स्कोर है वो 85 है, ठीक है ना, नॉर्मलाइज होने के बाद भी 85, यानी कि इसके बिल्कुल 0 नंबर बढ़े हैं, नॉर्मलाइजेशन में बढ़े ही नहीं है। और ऐसा ग्रुप डी में भी होगा, काफी स्टूडेंट के नंबर सेम भी रहेंगे, लेकिन परसेंटाइल में 99.76 पर चला गया, ठीक है। ये दूसरा स्कोर कार्ड हो गया, और एक मैं आपको दिखाता हूं, ये तीसरा स्कोर कार्ड।
अब तीसरे स्कोर कार्ड में आपको क्या देखना है, ये देखो कैंडिडेट का जो एब्सोल्यूट स्कोर था रो मार्क्स 71.50 था, अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर जो था 70.61, यानी यहाँ पर देखो लगभग एक नंबर इसका माइनस हो गया है, हालांकि परसेंटाइल में 93.72 चला गया है। तो भैया इस तरह से बनेगा आपका ग्रुप डी का रिजल्ट। अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको फॉर्मूला समझा दूंगा, फॉर्मूला तो समझाना बस की बात नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्यूरेसी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, नंबर कम भी हो सकते हैं, नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर सेम भी रहेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि 20-20, 30-30 नंबर इस बार नहीं बढ़ेंगे। बस ये पूरा खेल है आपका नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। बाकी आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।